हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हमने इस तरीके से काट लिया है। एक कटोरी गोभी डाल देंगे। गोभी को हमने कद्दूकस करके लिया है। आप इसे सिर्फ पत्ता गोभी या फिर गोभी से भी इसे आप बना सकते हैं। आधा कटोरी गाजर डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ। बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। एक चम्मच कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। एक चम्मच नमक डाल देंगे। दो से तीन चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। चार चम्मच मैदा डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसका मंचूरियन बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से अब मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार है। गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है। तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे थोड़ी देर सीकने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट देंगे। और इसी तरह पलटते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए बॉल्स को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई से सभी तेल को निकाल लेंगे और चार चम्मच तेल हम इसमें रखेंगे। और अब हम इस तेल में डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च, जिसे हमने इस तरीके से काट लिया है। एक चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। एक चम्मच कुटा हुआ अदरक डाल देंगे। इन दोनों चीजों को आप चाहे तो बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से काट लिया है। शिमला मिर्च डाल देंगे कटी हुई। इसे हम मिला लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे एक से दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे ज्यादा भूनना नहीं है, इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इसे हल्का सॉफ्ट कर लेना है। अब दो मिनट पूरा हो चुका है और ये देखिए, ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें हम सॉस डालेंगे। तो इसमें हम डालेंगे दो चम्मच ग्रीन चिली सॉस, दो चम्मच टोमेटो केचप, एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच हम इसमें विनेगर डाल देंगे।
और अब हम इसमें एक चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि सभी सॉस में नमक होता है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिला लेंगे इन सभी चीजों को। यहाँ पे हमने एक चम्मच कॉर्न फ्लोर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इस घोल को इसमें डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। मिला लेंगे इसे। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसमें हम उबाल आने देंगे। तो अब इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। अब वेज मंचूरियन बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।